वेलकम स्टूडेंट्स, आरआईएस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। यह वीडियो क्लास सिक्स में मैथ्स का चैप्टर नंबर वन है, नोइंग अवर नंबर्स, उसका फोर्थ पार्ट है। इसमें कुछ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए हैं एस्टिमेशन के, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पिछले वीडियो में जो इसका थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, एस्टिमेशन पढ़ा था, राउंडेड टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड एंड नियरेस्ट थाउजेंड, नियरेस्ट 10,000, इसके बारे में पढ़ा था। तो नाउ अब हम करेंगे एस्टिमेट सम एंड डिफरेंस। सम और डिफरेंस को कैसे एस्टिमेट करते हैं, इसके लिए बेसिकली जनरल रूल का यूज करते हैं हम। लेट्स से हमें सम निकालना है 2785 और 4232 का, तो इसका सम आता है 7070। लेकिन इसी को अगर हमें जनरल रूल से राउंड ऑफ करके करना है, तो देखिए इसकी जो हाईएस्ट प्लेस है 1, 10, 100, 1000, तो इसकी हाईएस्ट प्लेस कितनी है 1000, तो इसको 1000 तक हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 1000 में, तो 2785 जो है वो 3000 हो जाएगा, जैसा हमने पहले बताया था राउंड ऑफ करके। और जो 4232 है इसको भी 1000 प्लेस तक करेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्लेस जो है वो 1000 है, तो ये 4000 हो जाएगा एंड दोनों को ऐड करके 7000 एस्टिमेट हो जाएगा इसका। नाउ अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो ये नंबर है 2785, ये हमारा 1000 तक है, लेकिन अगर हमारा दूसरा नंबर 423 है, यानी ये 100 तक है, तो इसको हम 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, ये हमारा 3000 हो जाएगा। और इसको हम अगर हम इसको भी 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये 500 से कम है और इससे पहले वाला 1000 कुछ होता ही नहीं है, जीरो है। तो इस तरीके से हमारा आंसर 3000 आएगा। एक्चुअल आंसर इसका 32808 है, लेकिन राउंड ऑफ करके जो आंसर आ रहा है वो 3000, तो आप देख रहे हैं इसमें काफी डिफरेंस है, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा हम तरीका अपना सकते हैं कि इसको हम 1000 तक राउंड ऑफ करें और इसको 100 तक राउंड ऑफ करें, तो इसको 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 3000 हो जाएगा और इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 400 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 3400 आता है, जो भी इसमें भी काफी डिफरेंस आ रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा 100 तक है और इसको भी हम 100 तक राउंड ऑफ करते हैं, तो ये 2785 जो है वो 100 तक राउंड ऑफ होके 2800 हो जाएगा और 423 जो है वो 400 हो जाएगा, और इस तरीके से इसका सम आएगा 3200। तो अब आप देखेंगे 3208 एक्चुअल सम है और राउंड ऑफ करके जो सम आ रहा है वो 3200 आ रहा है, तो ये काफी क्लोज है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो इट्स मीन्स हम जब सम या डिफरेंस निकालेंगे तो जो एस्टिमेट करेंगे या राउंड ऑफ करेंगे, जनरल रूल हम क्या यूज करेंगे कि जो हमारा नंबर छोटा होगा उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हाईएस्ट प्लेस होगा, जो नंबर हमारा छोटा होगा उसकी जो हाईएस्ट प्लेस होगी वहां तक हम दोनों को राउंड ऑफ करेंगे। जैसे आपके पास 2785 और 423 था, तो ये आपका 1000 प्लेस तक है और ये आपका 100 प्लेस तक है, तो 100 प्लेस कम है तो 100 प्लेस तक हम दोनों को राउंड ऑफ करेंगे, इसीलिए ये 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करके ये 2800 आया और ये 400 आया। नाउ इसी तरीके से हम देखते हैं डिफरेंस में भी हम वही जनरल रूल यूज करेंगे, जैसे 2785 है और 423 है, तो अगर लेट्स से इसको हम 1000 तक करते हैं और इसको हम 100 तक करते हैं, तो आंसर हमारा आता है 2600, जो हमारे एक्चुअल आंसर से काफी डिफर है, तो इसके लिए भी हम जनरल रूल का यूज करेंगे। जनरल रूल में हमने बताया था आपको कि जो भी नंबर है सम या डिफरेंस में, जो भी नंबर है जिसका जो प्लेस है, जो कम प्लेस तक है, जिसका प्लेस लोएस्ट है, उसी तक हम राउंड ऑफ करेंगे। जैसे ये जो है हमारा, ये वाला नंबर 1000 प्लेस तक है और ये हमारा केवल 100 प्लेस तक है, तो 100 प्लेस 1000 प्लेस से कम होता है, तो बेसिकली जो छोटा नंबर है उसका जो प्लेस है, उसका जो हाईएस्ट प्लेस है, वहां तक हम राउंड ऑफ करेंगे छोटे नंबर के। तो छोटा नंबर 423 है, इसका हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे और इसको भी 100 तक ही राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 2800 हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा और यहाँ आंसर आएगा 2400। तो आप देखेंगे दिस आंसर इज मोर नियरर। नाउ आपको समझ में आ गया होगा सम और डिफरेंस में एस्टिमेट करना। नाउ अब हम बात करेंगे एस्टिमेट प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसका जनरल रूल क्या होता है, लेट्स से इन दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका थाउजेंड्स तक है, ये भी आपका थाउजेंड्स तक है, तो दोनों को हम थाउजेंड थाउजेंड तक राउंड ऑफ कर देंगे, ये थाउजेंड तक राउंड ऑफ होकर 3000 हो जाएगा, ये आपका 4000 हो जाएगा, और इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 1 2 3 4 12 एंड 3 and 3 6 0 आ जाएंगे इसमें। नाउ हम देखते हैं कि लेट से यहाँ पर ये जो ये 1000 प्लेस तक है और ये आपका ये 100 प्लेस तक होता, तो इस केस में हम किस तरीके से करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 1000 प्लेस तक है, ये 100 प्लेस तक है, तो अगर हम इन दोनों को 1000 प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करते हैं, जैसे हमने पीछे 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ किया था, तो ये तो आपका 3000 हो जाएगा 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ होके, और 423 है ये 0 हो जाएगा 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करके, क्योंकि इससे पहले कोई 1000 प्लेस होगा ही नहीं, तो बेसिकली आंसर 0 आएगा जो गलत है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे और इसको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, और इसका आंसर आएगा 3 4 12 एंड 3 and 2 5 0 जाएंगे। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन में या प्रोडक्ट जब निकालते हैं उसमें एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें जनरल रूल जो यूज करते हैं उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि देखिए इसमें जो प्रोडक्ट निकालना है इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। मल्टीप्लीकेशन में जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं, आपको पता ही होगा जैसे 2 into 3 करें तो 2 और 3 दोनों फैक्टर्स है, 2 into 3 का आंसर 6 आता है, तो 6 के फैक्टर्स 2 और 3 हैं। सिमिलरली इसका भी कोई प्रोडक्ट या आंसर आएगा इसका, तो इसके दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन में करते हैं तो इसमें जो जो भी फैक्टर है उसकी जो हाइएस्ट प्लेस वैल्यू है, यानी इसकी जो हाईएस्ट प्लेस है वहां तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। लेट्स से ये फैक्टर हमारा है, इसकी हाईएस्ट प्लेस है 1000, तो इसको हम 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे और हमारा 3000 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा जो दूसरा प्लेस है, दूसरा फैक्टर है हमारा, इसका जो हाईएस्ट प्लेस है वो 100 है, तो इसको हम 100 तक राउंड ऑफ करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 400। तो इस तरीके से आंसर 1 2 और ये 5 times 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट्स से हमारा ये नंबर है 2785, ये हमारा 1000 प्लेस तक है ये वाला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो है वो हमारा केवल 10 प्लेस तक है, तो इसका हाईएस्ट प्लेस हमारा 1000 है, तो इसको हम 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, ये 3000 हो जाएगा, और इसका हाईएस्ट प्लेस जो है वो आपका 10 तक है, तो इसको हम 10 तक राउंड ऑफ करेंगे और ये हमारा 40 हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा 3 4 12 and 4 times 0 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको जनरल रूल समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ जनरल रूल। जनरल रूल जब सम और डिफरेंस के लिए हम करते हैं, सम और डिफरेंस को एस्टिमेट करना होता है, तो जनरल रूल में हम बेसिकली देखते हैं कि हमारा नंबर छोटा कौन सा है। जैसे लेट्स से हमें इसको और इसको दोनों को ऐड करना है और जनरल रूल से देखना है, तो इसमें हमारा छोटा नंबर है 423, तो इसका जो हाईएस्ट प्लेस है 423 में 1 stands 100, जो हंड्रेड्स है जो इसका हाईएस्ट प्लेस है, तो हम दोनों नंबर को हंड्रेड्स तक करेंगे, यानी कि जो नंबर छोटा होगा उसका जो हाईएस्ट प्लेस होगा उसी हाईएस्ट प्लेस तक दोनों को राउंड ऑफ करेंगे, तो इसलिए इसको हम हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करेंगे 2800 आएगा, इसको हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 400 आएगा, और दोनों को ऐड करके 3200 आ जाएगा। बट जब हम मल्टीप्लीकेशन में यानी प्रोडक्ट में एस्टिमेट करते हैं और जनरल रूल लगाते हैं, उस जनरल रूल में दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग काउंट करते हैं, यानी कि दोनों फैक्टर्स जो हैं उनके जो हाईएस्ट अलग अलग जो हाईएस्ट प्लेस हैं वहां तक उनको राउंड ऑफ करेंगे। जैसे ये दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो बेसिकली इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1000 तक है, तो इसको 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, और इसका हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो इसको 100 तक राउंड ऑफ करेंगे। सिमिलरली इसका हाईएस्ट प्लेस 1000 है, तो इसको 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, और इसको इसका हाईएस्ट प्लेस 10 है, तो इसको 10 तक राउंड ऑफ करेंगे, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, सम और डिफरेंस एंड जो प्रोडक्ट है उनके जो जनरल रूल है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। तो नाउ अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर आ चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल से हमें इनको एस्टिमेट करना है, तो हमने बताया था कि जो नंबर छोटा होगा तो वहां तक हम उसके जो भी हाईएस्ट प्लेस होगा वहां तक हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए ये भी हंड्रेड्स तक है, ये भी हंड्रेड्स तक है, तो 730 जो है वो 700 हो जाएगा राउंड ऑफ करके, और 998 जो है वो 1000 हो जाएगा, और दोनों का सम हो जाएगा 1700।
सिमिलरली 796 जो है वो 800 हो जाएगा और 314 जो हो जाएगा वो 300 और दोनों का सम आ जाएगा आपका 500। सम का बेसिकली मतलब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक्चुअली माइनस करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये 500 आ जाएगा। नाउ यहाँ देखिए हमारा ये है 12,904 और ये है आपका 2,888। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ये वाला नंबर छोटा है। मैंने वाला बताया था कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें राउंड ऑफ करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, तो उसमें जो जनरल रूल होता है वो ये कहता है कि हमारा जो नंबर छोटा होगा उसकी जो हाईएस्ट प्लेस होगी हमें वहां तक राउंड ऑफ करना होगा दोनों नंबर्स को। तो यानी छोटा नंबर है हमारा 2,888, छोटा नंबर है 2,888, यानी थाउजेंड्स तक है, थाउजेंड्स प्लेस तक है, तो ऑब्वियसली इसकी हाईएस्ट प्लेस थाउजेंड है, तो इसको भी हम थाउजेंड तक ही राउंड ऑफ करेंगे और इसको भी थाउजेंड तक ही राउंड ऑफ करेंगे। देखिए ये 10,000 तक है तो इसको 10,000 तक राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको भी हम थाउजेंड तक ही राउंड ऑफ करेंगे। सो 12,904 हो जाएगा आपका थाउजेंड तक राउंड ऑफ होके 13,000 और 2,888 हो जाएगा आपका राउंड ऑफ होके 3,000 और दोनों का जो सम है यानी एडिशन करना है दोनों का, एडिशन हमारा 16,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये है 28,292 21,496। आप देखेंगे दोनों में ही 10,000 तक है, तो 10,000 तक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन और एग्जैक्ट थोड़ा सा और नियरर आंसर लाने के लिए हमने इनको थाउजेंड्स तक में राउंड ऑफ किया है। तो ये 28 तक, क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए हम दोनों को सेम थाउजेंड्स तक कर सकते हैं, तो 28,292 है तो इसको थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 28,000 हो जाएगा और 21,496 है तो ये 21,000 हो जाएगा थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करने पर, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 7,000। देखिए यहाँ पर सम लिखा हुआ है, इसको भी आपको डिफरेंस करना है, इसको भी आपको डिफरेंस, क्योंकि यहाँ भी आपको डिफरेंस निकालना है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको रफ एस्टिमेट देना है नियरेस्ट टू 100 राउंड ऑफ करके और नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करके। तो देखिए इसको राउंड ऑफ करेंगे 439 को, हम नियरेस्ट टू 100 कर रहे हैं तो ये 400 हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ये आपका 4300 और सम आपका एडिशन इतना आ जाएगा 5,000। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 734 है तो ये 700 हो जाएगा, ये 599 है ये 600 हो जाएगा और इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आपका इतना हो जाएगा। नाउ 8,325 है तो 325 राउंड ऑफ होके 300 और ये 500 और डिफरेंस इतना आ जाएगा। सिमिलरली ये 348 है, 300 हो जाएगा, ये 365 है, ये 400 हो जाएगा और इनको राउंड ऑफ करके ये आंसर आए और इसको इनका डिफरेंस जो है वो ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें जनरल रूल से इनके इनका जो प्रोडक्ट है उसको राउंड ऑफ करना है, तो बेसिकली 578 है इसको 100 तक करेंगे 600 हो जाएगा, 161 जो है वो 200 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ये 5281 है और ये 3491 है, तो देखिए 5281 को आप थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 5,000 हो जाएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्लेस जो है वो 1,000 है, लेकिन 3491 को हम 100 तक करेंगे क्योंकि अगर हम इसको थाउजेंड्स तक करेंगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, 491 का मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए इसको हम 100 तक करेंगे और ये हमारा 3500 हो जाएगा, तो 5000 इंटू 3500 आपका ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका 1291 एंड 592, तो 1291 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1300 हो जाएगा एंड 592 को जब हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो ये आपका 600 हो जाएगा, दोनों को 100 तक करेंगे क्योंकि यहाँ भी 291 का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ना हमारा नेक्स्ट दिस इज 9250 इंटू 29, तो यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप बुक में भी करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पर 7 है, 82 की जगह 7 है, दिस इज 9750 इंटू 29, तो 9750 को हम थाउजेंड्स तक राउंड ऑफ करेंगे ये 10,000 हो जाएगा और 29 को टेंस तक राउंड ऑफ करेंगे, ये देखिए यहाँ 229 है, ये भी मिस्टेक है, ये 2 नहीं है यहाँ पर, केवल 29 है और यहाँ पर ये 9250 नहीं, ये 9750 है, तो ये 9750 जो है वो राउंड ऑफ होके 10,000 हो जाएगा और जो 29 है वो राउंड ऑफ होके 30 हो जाएगा और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 10,000 इंटू 30 दैट इज 3 लैक्स। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। एक छोटा टॉपिक और है रोमन न्यूमरल्स का, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। रोमन न्यूमरल्स इनको सिर्फ रोमन्स में लिखने का तरीका होता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 1 के लिए ये सिंबल होता है, 5 के लिए ये, 10 के लिए ये, 50 के लिए ये,
एंड ये आप देख सकते हैं, ये सिंबल्स हैं, कुछ इनके रूल्स हैं, बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो रोमन न्यूमरल्स में किस तरीके से लिखना है वो बताया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।